शहर के बीचों बीच एक छोटी सी गली थी जहां हर घर का अपना एक अनोखा किस्सा था। उसी गली के एक कोने में बसा था बर्मा निवास, जिसमें बर्मा परिवार के 3 सदस्य रहते थे। श्री वर्मा, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका इकलौता बेटा राहुल। राहुल के पिता की मृत्यु के बाद सारा घर सुमित्रा के कंधों पर आ गया था। बर्मा निवास में अब एक और व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। वो था राहुल की नई नवेली दुल्हन। राहुल की शादी की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। शादी के दिन सुमित्रा ने राहुल को खास हिदायत दी। बेटा, अब घर में एक नया सदस्य आ रहा है, उसका स्वागत अच्छे से करना। राहुल ने हंसते हुए सिर हिला दिया, वो तैयारियों में जुट गया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सुमित्रा ने अपनी बहू काजल का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। काजल के आने से घर में खुशियों की बौछार हो गई थी। हर कोई खुश था, खासकर सुमित्रा। लेकिन घर के एक कोने में एक बिस्तर था जो इस खुशी में भी अपनी चुप्पी साधे हुए था। काजल को ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब था। बिस्तर जो उसे उसके कमरे में मिला था, वह बहुत पुराना और टूट फूट चुका था। उसने सोचा, शायद ये बिस्तर भी घर के बाकी चीजों की तरह पुराना हो गया है। काजल ने एक दिन राहुल से कहा, आपसे कुछ कहना है। यह बिस्तर बहुत पुराना और सुविधाजनक है, क्या हम नया बिस्तर खरीद सकते हैं? राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूर, पर माँ से पूछ लेना, उन्हें बुरा ना लगे। काजल ने सुमित्रा से इस बारे में बात की। सुमित्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ये बिस्तर पुराना जरूर है, लेकिन इसके साथ हमारी कई जानें जुड़ी हैं। ये तुम्हारे ससुर जी का बिस्तर था, उन्होंने इस पर कई रातें बिताई हैं। काजल के मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसने सोचा कि सुमित्रा की बात को नकारना सही नहीं होगा। उसने बिस्तर को वैसे ही रहने दिया, पर धीरे धीरे काजल को उस बिस्तर से भी लगाव हो गया। बिस्तर के चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय जब वो सो जाते तो बिस्तर से कभी कभी खटपट की आवाजें आती। काजल ने राहुल को इस बारे में बताया, लेकिन राहुल ने इसे मजाक समझ लिया। काजल ने सोचा कि शायद वह केवल बहम कर रही है, परंतु कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि बिस्तर सच में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसे बिस्तर के साथ एक अजीब सा संबंध महसूस होने लगा। एक दिन जब काजल अकेली थी, उसने बिस्तर के पास बैठकर कहा, अगर तुम सच में कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। उस दिन के बाद काजल को ऐसा लगा जैसे बिस्तर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति घूम रही है। काजल ने धीरे धीरे उस बिस्तर से बातें करना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि बिस्तर उसकी बातें सुन रहा है और कभी कभी उसे जवाब भी दे रहा है। वह अब अकेलेपन में भी अकेली नहीं थी। एक रात काजल को सपना आया कि उसके ससुर जी उसके पास आए और बोले, इस बिस्तर में हमारी आत्मा है, इसे छोड़ना नहीं, ये तुम्हें हमारे पास रखेगा। काजल जागी और सोच में पड़ गई। काजल ने राहुल से उस सपने के बारे में बताया। राहुल ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन काजल के मन में वह अब सपना गहराई से बैठ गया। उसने बिस्तर को कभी न छोड़ने का निर्णय कर लिया। बिस्तर के साथ काजल का संबंध दिन व दिन गहरा होता गया। अब वह उस बिस्तर पर बैठकर घंटों बातें करती थी। सुमित्रा भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन
सुमित्रा ने काजल से कहा, बेटी इस बिस्तर के साथ जो भी है उसे तुम समझने लगी हो। ये बिस्तर केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे परिवार की धरोहर है। काजल ने सुमित्रा की बात समझी, उस बिस्तर का महत्व और भी अधिक समझने लगी। अब वह बिस्तर उसे अपने ससुराल की एक अमूल्य धरोहर लगने लगा। राहुल भी अब काजल के इस नए संबंध को समझने लगा था। उसने काजल को ये कहकर शांत किया कि ये बिस्तर हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ रख सकती हो। बिस्तर अब केवल एक सोने की जगह नहीं रहा बल्कि काजल और उसके परिवार के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। काजल ने अपने जीवन में बिस्तर का विशेष स्थान पाया। काजल ने बिस्तर को अपनी सभी खुशियों और दुखों का साथी बना लिया। उसने महसूस किया कि बिस्तर के साथ बिताए गए पल उसे जीवन के गहरे अर्थ सिखा रहे थे। अब काजल ने बिस्तर को ना सिर्फ अपने कमरे में रखा बल्कि उसने उसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह अपने ससुराल के साथ जुड़ी हुई है। एक दिन काजल ने सुमित्रा से कहा, माँ मैं इस बिस्तर को कभी छोड़ना नहीं चाहती, ये मुझे आपके और पापा जी के पास रखता है। सुमित्रा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी ये बिस्तर अब तुम्हारा है, इसे तुम अपने पास रखो। समय बीतता गया लेकिन काजल के बिस्तर का प्रति प्रेम और बढ़ता गया। अब वह बिस्तर उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह बिस्तर पर बैठकर अपने सभी दुख सुख बांटती थी। एक रात काजल को फिर से सपना आया। इस बार उसके ससुर जी ने कहा, अब तुम्हारी जगह ले चुकी हूँ, ये बिस्तर अब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। काजल जागी और उसने बिस्तर को कसकर पकड़ लिया। काजल ने सुमित्रा से उस सपने के बारे में बताया। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ये बिस्तर तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है, इसे संजो कर रखना। राहुल ने भी अब बिस्तर के महत्व को समझ लिया था। उसने काजल से कहा, तुम्हारा बिस्तर तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिस्तर के साथ काजल के जीवन में नई नई खुशियाँ आने लगी। उसने बिस्तर को एक नई पहचान दी और अब वह बिस्तर उसके जीवन की एक हर महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा बन गया था। समय के साथ काजल के जीवन में कई बदलाव आए लेकिन बिस्तर के प्रति उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसने बिस्तर को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। एक दिन काजल ने महसूस किया कि वह बिस्तर के साथ इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी कि उसके बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने बिस्तर को अपने जीवन का साथी बना लिया। सुमित्रा ने काजल की इस भावना को समझा और उसे बिस्तर के साथ छोड़ दिया। अब बिस्तर केवल एक वस्तु नहीं बल्कि काजल के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। बिस्तर के साथ काजल ने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों का सामना किया। उसने महसूस किया कि बिस्तर उसे हर परिस्थिति में सहारा देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत बोलना। धन्यवाद। अगली कहानी का नाम पति पत्नी का प्यार। दोस्तों, गांव के बाहर एक छोटे से घर में राजेश और सुमन नाम की एक दंपत्नी रहती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे परंतु उनके प्यार में अब भी वही ताजगी और मासूमियत थी जैसे शादी के पहले दिन थी। राजेश एक साधारण किसान था और सुमन एक गृहिणी। दोनों ने अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुशियां ढूंढ रखी थी। राजेश मेहनती था
और दिन भर खेतों में काम करता था। सुमन भी उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। वह सुबह सुबह उठकर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसे खेत जाने के लिए तैयार करती और जब तक राजेश खेत में होता, सुमन घर के सारे काम निपटा देती थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उनके रिश्ते को परखने का समय ला दिया। राजेश के खेतों में सूखा पड़ गया। खेती से हुई आमदनी इतनी कम हो गई कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। राजेश इस स्थिति से बहुत परेशान रहने लगा। वह रात पर जागता और सोचता कि अब क्या करें। सुमन ने महसूस किया कि उसका पति चिंता में डूबा हुआ है। एक रात सुमन ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सुमन का विश्वास और उसके प्यार ने राजेश को थोड़ी शांति दी। सुमन ने घर के खर्चों में कटौती शुरू की और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को त्याग दिया ताकि राजेश को कोई और चिंता ना हो। वह हमेशा उसके साथ थी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। धीरे धीरे समय ने करवट ली। राजेश को एक नया काम मिल गया और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। लेकिन इन कठिन दिनों में उन्होंने एक बात सीखी, उनका प्यार और भरोसा एक दूसरे पर भी मजबूत हो गया था। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया, राजेश ने सुमन से कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी ये सब कुछ नहीं कर पाता, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुमन मुस्कुराई और बोली, प्यार का मतलब ही यही है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। इस प्रकार दोनों ने सिखाया दोस्तों कि सच्चा प्यार केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिनाइयों के समय में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।